गुलबर्गा के लिए मैं हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ। गुलबर्गा शहर के कूड़ा कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन जनाब मजर आलम खान साहब ने जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी साहब, कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर व डायरेक्टर ख्वाजा बंदनवास यूनिवर्सिटी, और मोहतरमा कनीस फातिमा MLA नॉर्थ एंड चेयरमैन KISCL, और श्री अलम प्रभु पाटिल MLA साउथ, और जनाब आलम खान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर की मौजूदगी में अपने ओहदे का चार्ज लिया गया। चार्ज लेने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए सबसे पहले उन्होंने श्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी सदर AICC और CM श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिवकुमार डिप्टी CM और अवामी हरदिल अजीज श्री प्रियंक खड़गे जी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कहा और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं एक मामूली कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ जो कि मुझे आज इतना बड़ा ओहदा दिया है श्री प्रियंक खड़गे जी ने, तो मैं यहाँ पे आवाम के लिए और गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा और गरीब आवाम को कूड़ा की सहूलत वाले 13-40 के प्लॉट्स देने की स्कीम लाऊंगा कहा जनाब मजर आलम खान साहब चेयरमैन ने, और कहा कि अलंद रोड और ताज सुल्तानपुर रोड को भी डेवलपमेंट करूँगा और भोजगार ख्वाजा कोटनू जैसे तालाब को टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा कहा, और शहर में योगा सेंटर जिम्स पार्क्स बनाऊंगा कहा मजर आलम खान ने, और कहा कि जो कोई भी इल्लीगल कब्जे करे हैं उनके लिए एक टास्क फोर्स कमेटी बना के उस पर भी काम करूंगा और हॉस्पिटल और स्कूल के लिए भी प्लॉट दिया जाएगा कहा मजर आलम खान साहब चेयरमैन ने। इस मौके पे देवेंद्रप्पा बड़गिरे कूड़ा कमिश्नर और कूड़ा का स्टाफ और जगदेव गुतेदार DCC प्रेसिडेंट, भीमशंकर बेलगुंदी, फराजुल इस्लाम, वाहिद अली फतेह खानी, जनाब बाबा खान साहब और अहमद एक्स मेयर, कॉरपोरेटर अजमल गोला, चेयरमैन रियाज बेटको, कॉरपोरेटर अयास खान, कॉरपोरेटर अजीम शेनी फरोश और इसके अलावा दीगर कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स और लीडर्स वर्कर्स मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरे लीडर AICC के अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और खास तौर से मेरे युवा नेता, युवाओं की दिल की धड़कन, मेरे मेंटर, मेरे पॉलिटिकल मेंटर जनाब प्रियंक खड़गे साहब का, डॉक्टर शन प्रकाश पाटिल साहब का, अजय सिंह साहब का, खास तौर से हमारे मैडम गुलबर्गा नॉर्थ कनीस फातिमा साहिबा का, अलम प्रभु साहब का, हमारे DCC अध्यक्ष जनाब जगदेव गुत्तेदार साहब का और हमारे गुलबर्गा के जितने भी तमाम सीनियर लीडर्स हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस पोजीशन पे यहाँ पर GDA चेयरमैन की पोजीशन पे बिठाए हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में ऐसा पोजीशन दिए हैं, मैं तमाम हमारी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान को और एक कार्यकर्ता को चुनकर ऐसा पोजीशन दिए हैं। इसे ये मालूम होता है कि हमारी पार्टी नौजवानों को और कार्यकर्ता को हमेशा से आगे बढ़ाती है ये पोजीशन देकर, और मैं आज GDA का चार्ज लिया हूँ। मैं जब रिव्यू मीटिंग करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिर मैं एक प्रेस करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी 5 मिनट हुआ है GDA के बारे में मैं जो यहाँ पर जो चल रहे हैं वो चीज़ें मैं पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने फिर एक बार प्रेस मीट करूँगा। जब मैं रिव्यू मीटिंग लूँगा फिर आपके सामने आऊँगा। एक बात ये कहता हूँ, मैं गुलबर्गा के लिए मैं हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये एक बात बोलना चाह रहा हूँ। और मेरी एक सोच है कि गरीबों के लिए और गुलबर्गा के लोगों के लिए ऐसे एक 2-4 लेआउट्स बनाऊं जहां पर मैं सस्ते प्लॉट्स 20-30 साइज के सस्ते प्लॉट्स में जो गुलबर्गा के जो लो इनकम जो लोग हैं स्कीम में या डिजर्विंग लोगों को मैं वो प्लॉट दे सकूं, ऐसा मैं ये करूंगा। और तीसरी बात, मैं यहाँ पर GDA में एकदम ट्रांसपेरेंसी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यहाँ पर आप तमाम लोग यहाँ खास तौर से बिलगुंदी साहब, हमारे CA पाटिल साहब और हमारे बेलमगी साहब, वाहद बाबा साहब, मुस्तफ़ा साहब और हमारे बंतेजी साहब और हमारे सीनियर लीडर्स तमाम और मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मेरे वेलविशर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन बाबा खान साहब को और तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम प्रेस वालों को जो आधा घंटा से यहाँ ठहरे हैं, मैं आप लोगों से दिल की गहराई से माफ़ी चाहकर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।
आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज न्यूज चैनल, सबसे तेज और सबसे आगे।